स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? आई होप यू एंड यू आर फाइन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आज का हमारा क्लास जो है, कल का इसमें से छुटा था, एलसीएम एंड एचसीएम का पार्ट 7 का जो हमारा क्या है, दूसरा सवाल है। ठीक है, तो आज आइए देखते हैं। लिखा है 6 घंटियां है, ठीक है ना। जैसे कल मैं अगले कल की वीडियो में बताया हूँ घंटिया वाला, कम से कम आपके एग्जाम में घंटिया वाला सवाल आप लोग को जरूर 1 से 2, 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आप लोग मेरे इस वीडियो पर बने रहिए, मैं आप लोग को पूरा CHS और NVVD का पूरा तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, तो आइए आज का सवाल देखते हैं। तो 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, ठीक है ना। मतलब सवाल लगाने से पहले आप लोग क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है उसे अच्छे से पहले समझ लेंगे, फिर इसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई यदि घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 के सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, कितनी बार एक साथ बजेंगी, यानी पूछ रहा है कि 30 मिनट में जो घंटियां है ना वह एक साथ बजेंगी, कि पूछ रहा है इसमें कितने बार एक साथ बजेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 12, ठीक है ना। 2, 4, 6, 8, 12 का सबसे सॉरी इसमें थोड़ा 10 भी है, 10, 12। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लगाएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग को एलसीएम बताता हूँ कंसेप्ट से, और इसके बाद ट्रिक से भी बताऊंगा। तो आप बस मेरे इस वीडियो पर बने रहिए, मैं आप लोग को पूरा ये सिखा दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 2 से काट लेते हैं, 2, 3, 4, ठीक है। 2, 2 दुना के 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 11, 2 6 12, काटते जाएंगे। 2, 3 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 3 कट गया। ठीक है, 3 भी नहीं कटेगा, 2 कट गया, 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर इसके बाद 3 से काट देंगे, 3 से 3 कट गया, 5 नहीं कटेगा तो इसे उतार लेंगे, फिर इसके बाद 3 लिख देंगे। ठीक है ना, तो अब क्या बचा है, 5 बचा है, तो 5 को भी हम लोग काट देते हैं, कट गया। अब इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है, 3 × 3 × 5, तो एलसीएम कितना आ गया, लिखते हैं, 2, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 3 = 24, 24 × 5 हो जाएगा 120। ठीक है, तो 120 हो गया। अगर आप लोग को देखिए शॉर्ट ट्रिक से, यानी 120 आ गया, तो 120 क्या आ गया, सेकेंड आ गया। ठीक है, इसे मिनट में हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 120 सेकेंड में, यानी 60 से भाग दे देंगे इसमें, तो आ जाएगा, यानी 60 × 120, यानी 2 क्या आ गया, 2 मिनट। 2 मिनट जो आया ना, तो 2 मिनट में जो घंटियां है एक, यानी इकट्ठे बजेंगी, कैसे बजेंगी, इकट्ठा बजेंगी, यानी एक ही साथ बजेंगी। और उसमें पूछा क्या है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो अब क्या करेंगे, जो 30 मिनट है, 30 मिनट में क्या करेंगे, जो 2 मिनट से भाग दे देंगे, यानी 200, तो बज आएगा कितना, यानी 15, यानी वो घंटियां 15 बार बजेंगी। कितनी बार बजेंगी, 15 बार, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर इस सवाल का डी राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आया होगा, यानी ट्रिक से देखेंगे, ट्रिक से कैसे लगाना है। ट्रिक से कैसे देखते हैं, आइए देखते हैं। यानी मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ ट्रिक का, कितना दिया है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है ना, इतना दिया है ना। तो इसका क्या निकालना, गुणनखंड, तो इसमें जब एलसीएम इसका करना है, क्या करना है इसका, एलसीएम, तो एलसीएम बताए हैं कि सबसे बड़ा पहले पकड़ेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा पकड़ेंगे, यानी देखेंगे 12, यानी 12 से पूरा पूरा कट जा रहा है, 2 से भी 12 कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा,
और 6 से कट जाएगा, 8 से कट, 8 से नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। आप क्या करेंगे, यानी इस 10 का टेबल पढ़ेंगे, यानी 10 बार, तो 10 ना हमें हो जाएगा कितना 120। तो 120 जो आ गया, अब आप इन जितने संख्या है इन संख्या से देखते हैं 120 कट जाएगा। हाँ देखते हैं, तो 12 दाम यानी 12 का 10 बार करेंगे तो 120 आ गया। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 4 तिहाई 12, फिर 6 दूना के 12, फिर 8 से कट जाएगा, 8 एक कम 8 और बच जाएगा कितना 4, 8 25 40, 8 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, तो 10 से कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। तो यही क्या आ गया, यानी 12 120 मिनट को हम क्या करेंगे 60 से चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 2 मिनट, यानी सेकंड से करेंगे तो 2 मिनट हो गया। तो 2 मिनट में क्या हुआ था, 2 मिनट में यह घंटियां इकट्ठे बजे थी पूरा एक साथ, तो पूछ रहा है कि कितनी बार बजेगी, तो यानी 30 मिनट में 2 मिनट से भाग देंगे तो आ जाएगा 15। ठीक है, तो यह घंटियां 15 बार बजेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में, अगर वीडियो सच में आप लोग को समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक करिए जरूर, और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं अगला वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचे। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है।